खुद अश्विनी वैष्णव जी यहाँ डटे हुए हैं पिछले लगभग कल सुबह से। आज तो हम यहाँ आए थे आहत लोगों को देखने के लिए। हम तो आज आम तो आज आसीकर आहत लोक मान देखापी पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद अंचल कि बंधु मैंने ये सोर हस्पिटाल पीड़ित अच्छा मु सोर जुवक बंधु मानक धन्यवाद देवी एटिकार हस्पिटाल स्टाफ मानक कृतज्ञता ज्ञापन करी भारत सरकार तरफ समस्त अक्लांत परिश्रम बल धीरे धीरे सहजता स्वाभाविकता आड़ जा ट्रेन भी खूब शीघ्र चलो रेस्क्यू काम पूरा हो गला एबे तांको में संभालिबा जो माने हॉस्पिटल इत्यादि दिन संभालिबा एटा मूल काम अछि। सर अश्विन सर आपने कहा कि रिपोर्ट जो है आ चुकी है, क्या वजह रही ये जरा बताइएगा क्या वजह? अभी सारे पेशेंट्स जो सोरों में हैं उनको देखने आए, उनसे बात की। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया के जो पेशेंट्स हैं वो सोरो मेडिकल के डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बातचीत भाई लोग शांति कर रहे हैं। सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पेशेंट्स उन सबसे अभी मिले, उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है और रेलवे की स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही है जिससे कि जो परिवार अपने परिवार के मेंबर्स यहां आना चाहें मिलने के लिए या फिर ये पेशेंट्स जो जाना चाहें उनके लिए हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, रांची से, सब जगह से स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सके। सर ममता बनर्जी ने जो कहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी के कारण ये घटना हुई सर। ममता बनर्जी बोला गोवाड़ी रिपोर्ट में घासी की वजह क्या बताइए सर? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।